और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रहियो कि हम फरमाबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का खान नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी यह ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम उस खान के नुजूल पर गवाह रहें। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खान नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर जरूर ख्वान नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब न दूंगा।